शेर जी, आप हर वक्त अकेले क्यों रहते हैं, और वो भी जंगल से बाहर? आप बताएं, कोई बात है या किसी से नाराजगी है आपकी? कोई नाराजगी नहीं मेरी। पता है, जंगल के सारे जानवर मुझसे दूर दूर रहते हैं। उनको लगता है कि मैं उनको खा जाऊंगा, लेकिन उनको कैसे समझाऊं कि मैं गोश्त नहीं खाता, मैं तो फल खाता हूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये तो बहुत बुरी बात है। कोई भी जानवर आपकी बात को नहीं समझ रहा। और आप परेशान मत हो, मैं आज से आपका दोस्त भी हूँ और आपके लिए जंगल से फल भी लाया करूँगा। ये फल मैं अपने दोस्त शेर के लिए ले जाता हूँ। वो खा लेगा, वो भूखा होगा, क्योंकि जंगल में तो वो आता नहीं है, इसलिए कि सब जानवर उसको नफरत से देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फलों की टोकरी लाया हूँ। मुझे पता था तुम जंगल में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब तुमसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए फल ले आया। शुक्र है, एक लंबे अरसे के बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। तुम रोज आ जाया करो मेरे पास, मेरा दिल लगा रहेगा। हाँ, मेरे दोस्त, मैं रोज आया करूंगा मिलने। मैं तुम भी रोज जंगल से बाहर फलों की टोकरी लेकर जाते देखता हूँ। किसके पास जाते हो, बताओ क्या बात है? जंगल के बाहर एक शेर रहता है और वो फल खाकर गुजारा करता है। वो मेरा दोस्त बन गया है। मैं उसको फल ले जाकर रोज देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो शेर तो जानवरों को बेतरतीब सिखाता है, इसीलिए बादशाह ने उसको जंगल से बाहर निकाल दिया था। क्या मेरा दोस्त ऐसा है? तुम सच कह रहे हो ना? कहीं उसने मुझे खा नहीं लिया? सच बताओ, क्या यही सच है? उसको रोज कोई ना कोई जानवर खाने को मिल जाता है, इसलिए उसने तुम ही छोड़ा हुआ है, वरना अब तक वो तुम ही खा जाता। जिस दिन उसको भूख लगी, वो तुम ही खा जाएगा। भला हो खरगोश का, उसने मेरी जान बचा ली। लगता है उस कुत्ते को मेरे बारे में किसी ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए आज नहीं आया। आज आता ना, आज तो मैंने आज उसका ही शिकार करना था। खाने को तो मुझे पहले नहीं मिला, फलों के साथ साथ आज मैंने इसकी हड्डियां भी चबा जानी थी।